हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे डीटी का चैप्टर जो कि है पेनल्टीज़। तो हम ट्राई करेंगे इसको कुछ फनी ट्रिक्स से भी कहीं कहीं समझें, कहीं कहीं आपको ड्रामेटिक भी लग सकता है, बट इट्स ओके। कभी कभी कुछ याद करने के लिए थोड़ा ड्रामा करना पड़ता है। तो हम ट्राई करेंगे कि इसको जो भी पेनल्टीज़ हैं उसको ध्यान रखें, क्योंकि अब हम ये स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आए नहीं आए, एमसीक्यूज़ में पेनल्टी से पूछता ही पूछता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसे जानें। तो लेट्स गो थ्रू दिस, बहुत ईजी है, हम ट्राई करेंगे इसे याद भी रखने का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 270A, ये सेक्शन है, ये नेचर ऑफ डिफॉल्टर, अमाउंट कितना है पेनल्टी का, हम देखेंगे तीन चीज़ें, ठीक है। सेक्शन 270A क्या होता है, अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। ये मतलब आप पेनल्टी, जैसे अगर मतलब एकदम भी आपको टाइम नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, तो बट ये एक ऐसा सेक्शन है कि जिसको आप देखते ही जाइए, मतलब ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 270A। तो जैसे कि अक्सर ऐसे बोलते 17 खतरा, पर हम ठीक है, यहाँ 17 खतरा तो नहीं है, बट 27 है, जिसमें खतरा ही खतरा है। क्या खतरा है? अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग अगर इनकम हम करते हैं तो उसका पेनल्टी लगेगा। कितना? अंडर रिपोर्टिंग हम करेंगे तो 50% ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम, और अगर मिस रिपोर्टिंग है तो 200% ऑफ टैक्स ऑन मिस रिपोर्टेड इनकम। तो ये हम इसे ये चीज़ कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर अंडर रिपोर्टिंग, मतलब आपको छुपा रहे हो, तो उसमें 50% आपको पेनल्टी पे करना पड़ता है। पर अगर आप कुछ गलत बता रहे हो तो वो उससे भी ज़्यादा गलत चीज़ होता है। इस बोल के उसको 4 times 50% है, यहाँ पर 200% है। तो नहीं बता रहे हो वहाँ तक ठीक है, तो 50%, बट अगर कुछ गलत बता रहे हो, मिस रिपोर्ट कर रहे हो, तो 200%। तो हमें ये वाला याद रखना है, 270A क्या है, अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, 50% और 200% रिस्पेक्टिवली। अब नेक्स्ट है 271A, सेक्शन 271A और सेक्शन 271AA। तो ये दोनों क्या चीज़ के लिए बोलता है, कुछ कॉमन चीज़ के ऊपर बोल रहा है डिफॉल्ट का, फेलियर टू कीप और मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। और 271A में ये तो है ही, और एडिशनल क्या है, मेंटेन्स और फर्निशेस इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट। या तो आप मेंटेन नहीं करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह, या तो आप जो मेंटेन करते हो वो गलत इन्फॉर्मेशन वगैरह मेंटेन करते हो, 271AA में ये भी बोल रहा है। तो उसमें क्या होगा, उसमें पेनल्टी लगेगा 25,000 271A के लिए, और 271AA के लिए लगेगा 2% ऑफ वैल्यू ऑफ सच ट्रांजैक्शन। तो अब इसको हम ध्यान कैसे रखेंगे, देखिए 271A जो बोलता है फेलियर टू कीप और मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो है अंडर सेक्शन 44AA में, जो हम पढ़ते हैं PGBP में। और ये जो 271AA है वो है अंडर सेक्शन 92D के लिए, ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह का जो है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, उसके रिगार्डिंग ये बोलता है अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए। तो ये ऐसे हम याद रख सकते हैं कि मतलब ऑपोजिट देख सकते हैं आप, कि यहाँ पर डबल ए वाले सेक्शन में डबल ए के लिए नहीं बोल रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने, ये 92D के लिए बोल रहा है। सिंगल ए वाले जो 271A है उसमें बोल रहा है 44AA के लिए। वी कैन रिमेंबर लाइक दिस। और हमेशा याद रखिएगा, बेसिकली ज्यादातर देखा जाता है अंडर सेक्शन 92D, यानी यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के केस में बोल रहे डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स मेंटेन आप नहीं कर रहे हो या गलत कर रहे हो, तो इसमें हमेशा जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में जनरली ऐसा देता है कि 2% ऑफ दिस वैल्यू इसका दर देता है, मतलब एक अमाउंट फिक्स अमाउंट नहीं बता देता है, ऐसा नहीं है कि देता ही नहीं है, बट जनरली इट्स लाइक इतना परसेंट ऑफ ट्रांजेक्शन पेनल्टी में रहता है। दे ऑलवेज देयर इज ऑलवेज अ परसेंटेज, सर्टेन परसेंटेज ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड नॉट अ फिक्स वैल्यू। जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं फिक्स वैल्यू 25,000 का पेनल्टी है 271A में अगर डिफॉल्ट हुए, बट वही 271AA इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन दैट इज 92D, तो उसमें कितना होता है 2% ऑफ वैल्यू ऑफ सच ट्रांजैक्शन, ठीक है। आई होप मैं इतना सब इसलिए बोल रही हूं कि क्या पता इसमें से आप ध्यान आपको सच में रह जाए, मेमोराइज हो जाए। आई होप ये कुछ हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर 271AB। ये सीरियली जा रही हूं, जैसे कि हम अभी पढ़े 270A, अब 271 का स्टार्ट हुआ है, सब कुछ 271 ही है रहेगा सेक्शन। 271A हो गया, AA हो गया, अब है AAB। तो AAB क्या बोलता है, पेनल्टी फॉर अनडिस्क्लोज इनकम फाउंड इन सर्च। सर्च सीजर जो हम पढ़ते हैं, वही वो सर्च के दौरान अगर पाया जाता है कि कोई इनकम है जो कि डिस्क्लोज नहीं किया है एसएससी, तो वो जो अनडिस्क्लोज इनकम होता है उस पर कितना परसेंट पेनल्टी लगेगा, 30% लगेगा। कब ना, जब वो ठीक है एसएससी फिर एडमिट कर लेगा कि हाँ मैंने ये इनकम छुपाया था, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन देगा कि सोर्स कैसा है, कहाँ से वो इनकम जनरेट हुआ था, तब लगेगा 30% ऑफ पेनल्टी। और अदरवाइज अगर वो एडमिट नहीं करता है उस समय इनकम, या एक्सप्लेन नहीं कर पाता है सोर्स क्या है इनकम का, देन इन दैट केस इट 60%। सो 30% 60% सिंपली हमको याद रखना है, ये सबसे हाईएस्ट मतलब परसेंटेज का जो स्लैब है वो बोल सकते हैं। कब? सर्च के केस में, जब अनडिस्क्लोज्ड इनकम हमें मिलता है तब पेनल्टी कितना लगेगा, 30% 60%। इजी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 271AC अनअकाउंटेड इनकम। ये देखिए मतलब ये थोड़ा फनी है, बट ठीक है, यहाँ पर CC है तो हम ऐसे याद रखेंगे, AC दोनों ही हैं। इट्स मतलब आई नो कि बहुत थोड़ा सेंसलेस भी लगेगा, बट अगर कुछ भी से याद रह जाता है ना तो ठीक है, तब चलेगा सेंसलेस होना भी। तो 271AC का क्या है, अनअकाउंटेड इनकम। अगर होता है इनकम जिसको हम अकाउंट ही नहीं किए हैं, जिसका हम बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ का उसको हम डाले ही नहीं है, उसको पूरा तरीके से इग्नोर किया गया, तो उस पर कितना है, अगर वो पता चल जाता है तो उस पर पेनल्टी है 10% ऑफ टैक्स ऑन सर्च इनकम। 10% रखना है, ठीक है, सर्च के केस में, बट ज्यादा है 30% और 60% है। नेक्स्ट है नंबर 5, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि सबसे पहला सेक्शन हम देखते हैं 270A, जैसे अंडर रिपोर्टिंग
रिपोर्टिंग जब हम लोग स्टार्ट किए थे, वही नंबर 5 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी ये न्यू एडिशन है, लास्ट टाइम ये एड बाय फाइनेंस एक्ट 2020 और इस बार के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था एमसीक्यू में। 271 AD फॉल्स एंट्री और ओमिटेड एंट्री टू इवेड टैक्स लाइबिलिटी। अगर आप फॉल्स एंट्री करते हो या कोई एंट्री को ओमिट करते हो टैक्स बचाने के लिए, तो फिर जाके कितना पेनल्टी लग जाएगा, 100% ऑफ सच अमाउंट ऑफ फॉल्स एंट्री और ओमिटेड एंट्री। ठीक है, एग्जाम्पल इसका जो क्वेश्चन भी आया था मैंने एक वीडियो शेयर करके भी बताया था एमसीक्यू का, डीटी का, जो कि अगर सपोज 1,00,000 रुपए का आपने जानबूझ के फॉल्स एंट्री किया है तो क्या आपका पेनल्टी कितना पड़ जाएगा, उतना ही 100%, मतलब 1,00,000 का आपका पेनल्टी पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमको ध्यान रखना है। कैसे हम ध्यान रख सकते हैं, वेरी ड्रामेटिक वे, कि तुमने सच बोलने की आड़ में, आड़ भी यूज ना, तुमने सच बोलने की आड़ में झूठ कहा मुझसे, एंड सो ऑन फॉल्स एंट्री और ओमिटेड एंट्री। आई नो इट्स फनी बट ये देखिएगा, पक्का याद रहेगा, आड़ फॉल्स एंट्री और ओमिटेड एंट्री टू वेट टैक्स लाइबिलिटी कितना, 100% ऑफ सच अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 271 B, फेलियर टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड अप टू ड्यू डेट अंडर सेक्शन 44 AB। तो ये क्या है, ड्यू डेट तक अगर अकाउंट्स ऑडिटेड नहीं करवाते हैं तो 271 B में आता है, और इसका कितना है, 0.50% ऑफ सेल्स या टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीव्स या फिर 150,000, इनमें से जो लोअर है, लोअर ऑफ द टू। ठीक है, ये हम आपका PGPP में पढ़ते हैं कि अगर अकाउंट्स ऑडिटेड नहीं किया जाता है तो उस केस में कितना पड़ जाएगा, 0.50% ऑफ सेल्स या फिर टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीव्स जो भी, या फिर 150,000, इन दोनों में से जो लोअर होगा उतना हमारा पेनल्टी पड़ जाएगा। नेक्स्ट है 271 BA, ये देखिए हमारा AA का कंप्लीट हो गया लाइन, यहाँ से स्टार्ट हुआ है बी, फिर BA, BA क्या है, फेलियर टू फर्निश रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E। ये 92E भी आपका आगे ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, 1,00,000 होगा उसका पेनल्टी। नेक्स्ट है 271 D, तो मतलब अभी तक हम जो देखें, मैं आपको लास्ट में मतलब ये बोल सकती हूँ कि कुछ कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट, जैसे आप कौन सा एक बार हम लोग वो बात कर लेंगे, बट उसके पहले ये जैसे कि चलेगा, मतलब इतना नहीं भी ध्यान रखने से, मैं ये नहीं बोल रही ध्यान रखना है, बट कोई कोई सेक्शन होता है ना चलेगा टाइप्स, तो वो वैसा है, बट बोल नहीं सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये जैसे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन अब आ जाता है, ये जैसे हमें करना कौन कौन सा, ना 271 D, 271 DA, 271 E। क्यों, ये क्या है, 271 D क्या बोलता है, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 269 SS, ये है 271 D है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 269 ST, और 271 E है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 269 T। अब इसको आप ध्यान ऐसे ही रखिएगा कि तीनों को साथ में ही ध्यान रखिएगा, T DA E, और ये भी कैसे याद रखेंगे, SS ST T। एक चीज हम ध्यान रख सकते हैं, नहीं अच्छा वैसे नहीं होगा, छोड़ो। ठीक है, ये हमें ये सातवीं ध्यान रखना है कि कंफ्यूजन नहीं हुए कि DDAE SS ST T, ऐसे याद रखना है, ये जो तीनों सेक्शन साथ में ही आते हैं इसका ये एक चीज अच्छा है। और इसमें क्या है, इसका जैसे कॉन्ट्रावेंशन 269 SS क्या बोलता है, अगर लोन हम कैश में लेते हैं 20,000 से ज्यादा तो इस केस में 271 D लग जाएगा, और पेनल्टी कितना हो जाएगा, जितना का लोन या आप डिपॉजिट या एडवांस लिए हो उतना का हमें पेनल्टी लग जाएगा, अमाउंट ऑफ लोन डिपॉजिट और एडवांस एक्सेप्टेड। और 271 DA में है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 269 ST। ST क्या बोलता है, रिसीव 2,00,000 और मोर इन कैश, अगर 2,00,000 से ज्यादा आप कैश में लेते हो तो हमारा 269 ST का कॉन्ट्रावेंशन हो जाता है, तो ये सेक्शन लग जाएगा, और पेनल्टी कितना हो जाएगा, जितना आप अमाउंट रिसीव किया हो, सपोज आप रिसीव किया 2,80,000, तो उतना ही 2,80,000 आपका पेनल्टी हो गया। अब नेक्स्ट 271 E, ये सेक्शन क्या बोलता है, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 269 T, जो कि है लोन या डिपॉजिट रिपेड इन कैश ग्रेटर देन 20,000। इन शॉर्ट ये पहला वाला है रिसीव, लोन जब लेते हैं 20,000 से ज्यादा कैश में, ये और बीच वाला है जब हम रिसीव करते हैं कैश 2,00,000 से ज्यादा कैश में, या फिर है लोन जो हम लिए हुए रिपे करते हैं 20,000 से ज्यादा कैश में, उतना में भी पेनल्टी क्या है, सच अमाउंट रिपेड। मतलब पेनल्टी तो याद रखिएगा इस इन तीनों ही केस में जितने के अमाउंट आपने जो लिया है या दिया है वही अमाउंट एज सच पेनल्टी हो जाएगा, पेनल्टी का अमाउंट। सो ये हमें ऐसे ही ध्यान रखना है, 2-4 बार पढ़ने से ध्यान रह जाएगा क्योंकि तीनों साथ में है, इसका ये एक चीज एडवांटेज है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 271 FA, ठीक है, फेलियर टू फर्निश स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन SFT शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो ये वाला हम कैसे ध्यान रखेंगे, हम ऐसे ध्यान रखते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल वर्ड जहां ही आता है पेनल्टी में भी पूरा एकदम फाइनेंस की तरह एकदम उसको पूरा बकायदा वसूली किया जा रहा है। कैसे कि टिल पीरियड ऑफ नोटिस, नोटिस के पीरियड तक 500 रुपीज पर डे, हम देखेंगे 500 रुपीज पर डे, मतलब पूरा हर दिन का हिसाब है इसमें, ऐसे ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आते ही, ये वर्ड आते ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है, हर दिन का हिसाब रखा जा रहा है 500 रुपीज पर डे। और अगर आफ्टर नोटिस पीरियड, आप नोटिस पीरियड तक भी आप नहीं पे करते हो तो आफ्टर नोटिस पीरियड क्या हो जाएगा, 1,000 रुपीज पर डे। तो ये ऐसे ध्यान रखिएगा, मैंने ऐसे ही ध्यान रखा है कि यहाँ पर डे का आ जाता है, फाइनेंस का वर्ड जहाँ आते आते पूरा ही पर डे का हिसाब रखा जा रहा है। आई लर्न इन दिस वे, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग द सेम वे टू यू। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 12, 271 FAA, ये था FA FAA, ये भी याद रखिएगा, कैसे आपको ध्यान रहेगा, ये SFT के बारे में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में, यहाँ पर F वर्ड आ जा रहा है,
ठीक है, यहाँ पर हम अभी तक हम कहीं पर भी एफ नहीं रखे थे, हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमें एक तो कोड मिल गया एफ ए एफ डबल ए, ये दोनों ही रिलेट करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से। तो 271 एफ डबल ए इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इन एसएफटी, यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कुछ आपने इनएक्यूरेट या गलत इन्फॉर्मेशन दिया है तो उस केस में कितना 50,000 रुपए पेनल्टी, क्योंकि ये तो बहुत गलत बात है, आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया तो एक बड़ा अमाउंट उन्होंने पेनल्टी बता दिया। यहाँ तक तो आपको बता रहे थे कि 500 रुपीज पर डे 1000 रुपीज पर डे, पर यहाँ पर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया तो 50,000 पेनल्टी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, दिस वन इज ऑल्सो फनी, 271G, ठीक है, 271G, 271GA, 271GB, तीन है, तो ये तीन हम कैसे ध्यान रखेंगे, जी जी ए जी बी, ये है फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट। अगर हम फर्निश नहीं कर पाते हैं कोई इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट, ये किस किस में, सबका अलग अलग, पहला 271G में अंडर सेक्शन 92D, यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस वगैरह ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह के केस में, यहाँ पर है 271GA में अगर फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन वगैरह अगर एक बाय इंडियन कंसर्न टू इंडियन कंसर्न, देखिए ये जो 271GA में भी ना दो चीज है, बाय इंडियन कंसर्न टू इंडियन कंसर्न और या फिर बाय इंडियन कंसर्न टू इंटरनेशनल कंसर्न। इसका मतलब क्या है कि अगर एक इंडियन कंसर्न फेल हो जाता है इन्फॉर्मेशन वगैरह डॉक्यूमेंट या कुछ भी इन्फॉर्मेशन देने में रिलेटेड टू दूसरा इंडियन कंसर्न, तो उसमें पेनल्टी कितना लग जाएगा, 2% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। और दूसरा केस है अगर कोई इंडियन कंसर्न फर्निश नहीं कर पाता है इन्फॉर्मेशन वगैरह किसके रिलेशन में, इंटरनेशनल कंसर्न के रिलेशन में, तो उस केस में कितना लग जाएगा पेनल्टी, सी द अमाउंट, इट्स वेरी बिग, 5 लाख रुपीज। तो यहाँ पर 5 लाख है, यहाँ पर 2% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू है, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, जैसे कि 5 लाख रुपीज। तो और 271GB भी यही बोलता है अगर फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट डॉक्यूमेंट और इनएक्यूरेट रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप, मतलब या तो आप कोई आपको डॉक्यूमेंट रिपोर्ट मांगा जा रहा है वो तो आप दे ही नहीं रहे हो, मतलब रिपोर्ट तो दे ही नहीं पा रहे हो, ऊपर से इनएक्यूरेट रिपोर्ट दे रहे हो, मतलब एक तो नहीं दे रहे हो और ऊपर से जहां दे रहे हो वहां पर गलत भी दे रहे हो। तो जब ये दोनों चीज मिल जाता है 271GB तब आ जाता है और उस पर पेनल्टी कितना लगता है, 5000 पर डे अप टू 1 मंथ, 1 मंथ तक 5000 पर डे एंड आफ्टर 1 मंथ इट्स 15000 पर डे पेनल्टी। ठीक है, हर दिन का पेनल्टी कितना बड़ा, क्यों जब भी आप देखोगे पेनल्टी ज्यादा कहां जाता है, जब कोई चीज दिया रहता है ना, मतलब जान मुझ के गलत करना इनएक्यूरेट, तो हम जैसे पहला में भी पढ़े थे अंडर रिपोर्टेड और मिस रिपोर्टेड इनकम 270A, तो पेनल्टी मिस रिपोर्टेड आते ही, मैंने कोई चीज़ आप जान उसकी गलत बताते हो तो उसका पेनल्टी हमेशा बढ़ जाता है। तो उसमें हम देखे थे 50% 200% मिस रिपोर्टेड के लिए 200%, क्यों इतना बढ़ गया, क्योंकि गलत हम दे रहे हैं कोई चीज़ नहीं दो तब एक पेनल्टी कम होगा, बट अगर आप गलत बताओ कोई चीज़ तब पेनल्टी और ज़्यादा होगा। तो वही यहाँ पर भी 5000 पर डे अप टू 1 मंथ एंड 15000 पर डे आफ्टर 1 मंथ, ये 271GB में। फिर हम इसको कैसे ध्यान याद रख सकते हैं, मैंने ऐसे याद रखा था, बहुत बहुत फनी वे से याद रखा था, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर अंडर सेक्शन 92D आ रहा है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से बेसिकली ये डील कर रहा है, 271GB पूरा इंटरनेशनल ग्रुप में है, 271GA का भी एक हिस्सा डील करता है इंटरनेशनल कंसर्न से। तो जब हम ट्रांजैक्शन कोई भी हम इंटरनेशनली करेंगे तो क्या इज्जत देंगे आपस में, जब हम किसी नए कंट्री से डील कर रहे हैं इज्जत दे रहे हैं, तो जी इसीलिए, तो आप याद रखना जी इज्जत इंटरनेशनल जब आ जाते हैं तो यहाँ पर हम जी लगा रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर भी ये लिख दिया इज्जत इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। तो मुझे तो ऐसे याद रहता है कि 271G यानी कि इज्जत दे रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल वाला सारा आ गया ट्रांजैक्शन। तो इसमें बेसिकली क्या है, 2% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, 2% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू 5 लाख और यहाँ पर 5000 और 15000 रिस्पेक्टिवली। तो ये वाला आपका अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का जब आएगा तब आप ध्यान रख लीजिएगा 271G सेक्शन ट्रिगर हो गया, जी जी ए और जी बी। अब लास्ट देखते हैं 271J, ये क्या बोलता है, ये बोल रहा है पनिशिंग ऑफ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इन एनी रिपोर्ट। ठीक है, कोई भी रिपोर्ट में इनकरेक्ट अगर इन्फॉर्मेशन आप पनिश करते हो और सर्टिफिकेट बाय CA, सर्टिफिकेट बाय मर्चेंट बैंकर, सर्टिफिकेट बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, यहाँ पर कोई भी अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी वगैरह है, या मेरे हिसाब से यहाँ पर CA का मतलब वही है सर्टिफाइंग अथॉरिटी, अगर कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी सर्टिफिकेट देता है तो पहले आप बोल रहे हो कि अगर उसमें या फिर सर्टिफिकेट कोई मर्चेंट बैंक है या फिर कोई रजिस्टर्ड वैल्यू, कोई भी ये लोग जो सर्टिफिकेट देते हैं उसके रिपोर्ट में अगर कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फर्निश किया गया होगा तो कितना 10,000 रुपीज पर फेलियर पेनल्टी लगेगा। तो ये वाला भी मैंने बहुत परिवेश याद रखा है कि यार सबसे पहले याद रखिए कि हम पढ़ रहे हैं पनिशिंग ऑफ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इन एनी रिपोर्ट और सर्टिफिकेट बाय CA, ठीक है ध्यान रखें। फिर एक और आ गया सर्टिफिकेट बाय मर्चेंट बैंक, फिर एक और आ गया, मेरे यार ये क्या जोक लगा रखा है, एक बता रहे हो फिर दूसरा बता रहे हो फिर तीसरा बता रहे हो, तो आई ट्राई टू रिमेंबर इट इन दिस वे, आई नो इट्स फनी, बट ठीक है 271J की जो भी तीनों अलग अलग सर्टिफिकेट्स ये कोई भी देते हैं अगर उसमें से किसी में भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन रहता है तो 10,000 रुपया पर फेलियर हमारा पेनल्टी लगेगा। आई होप आई ट्राई कि कुछ मतलब कुछ तो अच्छी से याद रख सके, हम कुछ फनी था कुछ ओवर ड्रामेटिक भी था, बट इट वॉज जस्ट अ वे कि हम एक
बार इसे देख सके कि अगर कोई छोड़ रहा है तो प्लीज इसे मत छोड़िएगा, बहुत ईजी है। आप एक दो बार ये पढ़ोगे या फिर अगर आप इसे सुन के आपका खुद का भी आप कुछ सोच के याद रखने का कोशिश कर सकते हो तो बहुत ईजीली हो जाएगा। इसमें मैं बता दूँ सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप 270A तो हमें छोड़ना ही नहीं है, फर्स्ट वाला अंडर रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग इनकम 50%, 200%, मैंने इतना बार इस वीडियो में बोल दिया है कि अब तो आपको एकदम भूलना ही नहीं चाहिए। बाकी सर्च का भी 30%, 60% हम देखे थे, ऐसे करके 269SS, 269T और 269ST, ये तीनों जो पढ़े थे लाइन बाय, या फिर एफ ओ फेलियर फेलियर टू फर्निश फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एफ, और जी मतलब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज्जत देते हैं, जे मतलब जोक टू यू, सबके सर्टिफिकेट में एक दूसरा तीसरा कितना पढ़े हैं यार, मतलब कुछ भी, यू जस्ट नीड टू मेक समथिंग लाइक दैट कि आपको जैसे ध्यान रख सके, बट इसको छोड़ना नहीं है और इसको आपको याद करना है। और आई होप ये आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड किया है और आप इसे कुछ नया सीखें या आपको हेल्प किया है याद रखने में। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि सच में, क्योंकि इतना फ्रेंकली इतना टाइम से वीडियो इसलिए नहीं बना रही थी कि मन ही नहीं कर रहा था, फिर लग रहा था कि पता नहीं मन ही नहीं कर रहा था, इन शॉर्ट। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे मेरा मोरल बूस्ट होगा, तो कि कमेंट करिएगा कि आपको अच्छा लग रहा है और आपको क्या चीज़ का आगे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हो पाएगा तो मैं वो वीडियो बनाने का कोशिश करूंगी। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल अगर जिन्होंने नहीं किया, एंड डू लाइक द वीडियो। थैंक यू।